सासाराम के वार्ड नंबर 10 फजलगंज मोहल्ले में बने दुर्गा कुंड, जिसमें दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन की जा रही थी एवं महापर्व छठ भी की जा रही थी, लेकिन आज देखने वाली बात है, इस तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है एवं जलकोबी से पूरे तालाब ढका हुआ है। पानी में बदबू, तालाब के अगल बगल कचरे का अंबार लगा हुआ है। इस तालाब में पूजा पाठ एवं मूर्ति विसर्जन के कार्य होता था। आज इस तालाब में ना तो पूजा हो रही है, वही स्थानीय लोगों का कहना है कि छठ पूजा के समय नजदीक आ रहा है और इस तालाब में गंदगी दिन पर दिन बढ़ती नजर आ रही है, जिससे कि महापर्व छठ पूजा की व्यवस्था कहाँ की जाए, यह लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वही इस तालाब को ना ही नगर परिषद द्वारा साफ सफाई की जा रही है, ना ही जिला प्रशासन की कोई विधि व्यवस्था नजर आ रही है। ये जो दुर्गा कुंड तालाब है, ये कितने दिन से गंदगी लगी हुई है? 3 से 4 साल से गंदगी लगा हुआ है तालाब में, और तालाब का ना तो साफ सफाई होता है, ना तो ध्यान दिया जाता है। इसके अगल बगल के जो इन्वायरमेंट होता है वो बद से बदतर होते जा रही है। ठीक है, अभी छठ पूजा भी आने वाला है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। कोई किसी नगर पालिका का, किसी मतलब विषय वस्तु का, किसी चीज़ का कोई इस पर कोई संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा है। यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग इसके बदबू से, तो जलाब के तालाब में के अंदर जो जल को भी है उसके बदबू से लोग परेशान हैं, लेकिन तब भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है इसको। इसमें पूजा पाठ होती थी? नहीं, 2 साल 3 साल पहले जब पूजा पाठ का कार्यक्रम स्टार्ट होता है तो इसको थोड़ा सा साफ सफाई किया जाता है, उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अभी की स्थिति क्या है इस तरह? अभी स्थिति बहुत दयनीय है। ठीक है, इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। कहाँ करूँगा?